हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको फोल्डर पे कोटा कैसे इनेबल करते हैं ये बताऊंगा। सर्वर 2008 एक फैसिलिटी देता है जिसके थ्रू आप फोल्डर किसी फोल्डर पे भी कोटा इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए एक फाइल सर्वर में फीचर होता है जिसको हम FSRM बोलते हैं, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। इस FSRM फीचर के थ्रू आप किसी फोल्डर पे भी कोटा इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे फोल्डर पे कोटा इनेबल करते हैं। इसके लिए आपको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना होगा, सर्वर मैनेजर पे क्लिक करते हैं, रोल्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऐड रोल्स पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। फाइल सर्वर, ये फाइल सर्विसेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो फाइल सर्विसेज के अंदर ही FSRM सर्विस होती है। तो अब यहाँ से हम वो सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकते इंस्टॉलेशन के लिए। इस विजार्ड को हमें क्लोज करना होगा और ये फाइल सर्विसेज आप देख रहे हैं रोल समरी के अंडर में, इस फाइल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। किसी भी रोल को अगर पहले से ऑलरेडी रोल इंस्टॉल्ड है और उसके सब रोल्स को आपको इंस्टॉल करना है तो उस पर्टिकुलर रोल पे क्लिक करना होता है। देन आप ये फाइल सर्विसेज विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो को आप बटन स्क्रॉल के थ्रू नीचे लाएंगे। यहाँ पर आप देखिए ऐड रोल सर्विसेज, ये ऐड रोल सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो फाइल सर्विसेज के अंडर आती हैं। तो यहाँ पर ऐड रोल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ से एक सर्विस है, दैट इज फाइल सर्विस सर्वर रिसोर्स मैनेजर। इस फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर को क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ अगर आप मॉनिटरिंग यूज़ करना चाहते हो तो आप उस पर्टिकुलर ड्राइव को सेलेक्ट कर सकते हो, फिलहाल अभी हमें मॉनिटरिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरीके से आप फाइल सर्विसेज के सब रोल्स जिसको हम फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर कहते हैं उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये जो सर्विस है ऐड रिमूव ऐड सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में ऐड हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल कंसोल में। इस सर्विस को एक्सेस करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाना होगा। इसके लिए आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाएं। यहाँ आपको मिल रहा है फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर पे क्लिक करें। यहाँ से आप देख सकते हैं कोटा मैनेजमेंट एंड फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट। अभी हम कोटा मैनेजमेंट पढ़ते हैं, इसके बाद हम फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट भी अगले सेशन में सीखेंगे। ऑलरेडी कोटा टेम्पलेट्स भी हैं कुछ, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। 100 MB का कोटा टेम्पलेट है, 200 MB का कोटा टेम्पलेट है, 250 का है, सॉफ्ट है, हार्ड है, मॉनिटरिंग है। तो ये कोटा टेम्पलेट हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बने बनाए हैं, इन्हीं को आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल अगर आपको नया बनाना है कोई कोटा तो कोटा ये ऑप्शन देख रहे हैं कोटा मैनेजमेंट के अंडर में, कोटा पे राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट कोटा ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे। यहाँ से जिस पर्टिकुलर फोल्डर पे आपको कोटा अप्लाई करना है, कोटा लगाना है, ब्राउज करके उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं एक न्यू वॉल्यूम ई ड्राइव है इसके अंदर एक फोल्डर बना रहा हूँ। इस फोल्डर का नाम मैं डेटा रख रहा हूँ, डेटा पे क्लिक करते हैं। तो ये पाथ हो गया जिस पर्टिकुलर फोल्डर पे कोटा लगाना है। अब यहाँ से कोटा कितना लगाना है ये दिया हुआ है, हाउ डू यू वॉन्ट टू कन्फिगर कोटा प्रॉपर्टी एंड डेराइव प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस कोटा टेम्पलेट रिकमेंडेड। तो यहाँ से पहले से बना हुआ है कि पर्टिकुलर 100 MB का लगाना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन प्रॉपर्टीज या इन वैल्यूज के अलावा अलग से आपको कोई वैल्यूज देनी है कोटा के लिए तो आप यहाँ पे कस्टम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफाइन कस्टम, देन कस्टम प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप वो स्पेस सेलेक्ट कर सकते हैं जितना आपको उसको देना है। तो यहाँ पर मैं एक जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस मैं 10 MBPS दे 10 MB दे रहा हूँ, 10 MB पे लिमिट दे रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ कोटा, तो दो टाइप का कोटा होता है, हार्ड कोटा और सॉफ्ट कोटा। हार्ड कोटा में क्या होता है कि अगर आप हार्ड कोटा लगाते हो तो जो लिमिट आपने दे रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे 10 MB लिमिट दे रखी है, तो आप जैसे ही 10 MB का डेटा आप रखोगे वैसे ही वो लिमिट कंप्लीट हो जाएगी। अब 10 MB के बियॉन्ड उसके बाद अगर आप
कोई भी फाइल 1 MB या 1 KB की भी रखते हो तो वो आपको परमिशन नहीं देगा 10 MB से ज़्यादा रखने की। पर अगर आप सॉफ्ट कोटा 10 MB का लगाते हो तो सॉफ्ट कोटा जस्ट आपको वार्निंग देगा, पर ये नहीं कहेगा कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स कि 10 MB पे एक वार्निंग मैसेज आएगा कि आपने जो 10 MB आपको जो स्पेस दिया गया है वो आप फुल कर चुके हैं, पर आप उसके 10 MB के बावजूद भी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। तो ये जस्ट मॉनिटरिंग के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं अभी हार्ड कोटा लगा रहा हूँ और ओके करते हैं। देन क्रिएट, यहाँ से क्रिएट ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप जो कोटा आप लगा रहे हो बना रहे हो उसका कोई नाम देना चाहते हो ताकि इन फ्यूचर वो टेम्पलेट कभी आप यूज़ कर सको, अदरवाइज जो बाय डिफॉल्ट है उसी को अप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विदाउट टेम्पलेट बनाए हुए बिना कोई टेम्पलेट क्रिएट किए अपने कोटा को सेव करता हूँ। ओके पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 MB का हार्ड कोटा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर डिटेल दी हुई है, यूज्ड कितना यूज़ हो चुका है कोटा बनाने में, पीक यूजेस 1 KB है, पीक टाइम है, देन अवेलेबल स्पेस 10 MB है, वॉल्यूम ई ड्राइव के अंदर है, वॉल्यूम का साइज़ है इतना, अवेलेबल इतना है, कोटा एलोकेशन 10 MB है। अब एक बार मैं इसको चेक करता हूँ, जो कोटा मैंने लगाया है यहाँ पर ई ड्राइव के अंदर, ये डेटा फाइल डेटा फोल्डर है, इसके अंदर मैं कोई फाइल सी ड्राइव से लेता हूँ, यहाँ से विंडोज़ के अंदर से कुछ फाइल पिक करता हूँ मैं, 10 MB के आसपास। प्रॉपर्टी पे जाके चेक करता हूँ, अभी तो ये बहुत कम है, हमें कम से कम 10 MB या थोड़ा सा उससे ऊपर लेना है। इतनी कॉपी करते हैं, देखते हैं ये कितनी फाइल हुई, ये 67 MB का है, ये ज़्यादा हो गया। यहाँ से कॉपी करते हैं, अब देखते हैं कितना है, 2.4 MB है। चलिए एक बार कॉपी कर लेते हैं, प्रॉपर्टी पे देखते हैं कितनी फाइल्स हों, यस 19 MB। अब इन फाइल्स को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके ये जो आप देख रहे हैं डेटा फोल्डर ई ड्राइव के अंदर, जिसके अंदर मैंने कोटा लगाया था, ई ड्राइव के अंदर डेटा फोल्डर के अंदर ये मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर एक मैसेज आ गया, देर इज़ नॉट एनफ स्पेस ऑन न्यू वॉल्यूम ई, 10.2 MB इज नीडेड टू कॉपी दिस आइटम। तो फ्री स्पेस तो इस पे 998 MB का टोटल साइज है और फ्री स्पेस 1056 है, पर इस फोल्डर की वजह से, फोल्डर पे कोटा लगाने की वजह से यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपको अगर इसमें ये कॉपी करना है तो आपको 10.2 MB और ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं 10 MB का तो डेटा कॉपी हो गया, पर उसके ऊपर का जो डेटा था वो कॉपी नहीं हो पाया। अगर इसको चेक करेंगे, इस पूरे फाइल को सेलेक्ट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं 9.18 MB ही कॉपी हुआ है, जबकि टोटल फाइल साइज था 19 MB समथिंग। तो ये था फोल्डर पे कोटा, कैसे फोल्डर पे कोटा लगाते हैं फाइल सर्वर में। तो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।